हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गेमर। सो गाइस, मैं लेके आ गया हूँ Xbox 360S। इसके साथ आया हुआ था ये वायरलेस रिमोट जो कि काफी कंफर्टेबल है। उसका वाइब्रेशन मोटर सच में काफी तगड़ी है, खेलने की काफी ज्यादा मजा आती है। और हाँ गाइस, इसके अंदर काफी सारी हाई डेफिनेशन गेम है, बड़ी बड़ी गेम है लाइक GTA 5, हालो 4, फोर्ज़ा होराइज़न 4 और प्रोटोटाइप 2 जैसी काफी सारी गेम्स इसके अंदर। ये कितना तगड़ा कंसोल रह चुका है इसके टाइम पे। और ये 2018 तक की सारी गेम एकदम स्मूथ चलाता है, वो भी हाई डेफिनेशन में। सो गाइस, आज मैं आपको इसमें खेल के दिखाऊंगा GTA 5 और भी काफी सारी गेम्स है। मैं आपको मेरी सब गेम लिस्ट भी बताऊंगा किसके अंदर मैंने कौन कौन सी गेम डलवाई रखी है। तो गाइस आगे मिलते हैं। तो अभी वाला जो बटन है हमने इसको दबा के रखा तो ये चालू हो चुका है वायरलेसली। और 360 की एक चीज काफी बढ़िया लगती है कि ये काफी कूल रहता है, मींस ज्यादा गर्म भी नहीं होता है। अगर आप 8-9 घंटे लगातार भी खेलोगे तो भी ये काफी स्मूथ और एकदम कूल रहता है। सो गाइस, इसका इंट्रो कुछ इस तरह का है। और हाँ गाइस, ये जो एक्सबॉक्स का जो कंट्रोलर है उसके साथ एक ऐसा चार्जिंग केबल भी आता है। और ऐसे तो ये वायरलेस है, बट अगर आपका इसमें बैटरी खत्म हो गया है और फिर भी अगर आपको गेम खेलना है कंटिन्यूसली तो इसका ऐसा चार्जिंग केबल आता है जो कि लगता है यहाँ पे ऊपर लगता है। और आगे का जो इसका पॉइंट है वो है USB वाला, तो इसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। देखो गाइस, ये जो है ना एक्सबॉक्स, उसमें यहाँ से खुलता है, इसके अंदर 2 USB पोर्ट है, वो काफी बढ़िया लगता है। देखो अभी यहाँ पे ग्रीन लाइट पूरी चालू हो चुकी है, थोड़ा जूम लाओ। और अभी यहाँ पे जो लाल लाइट हो रही है, जब ये ग्रीन हो जाएगी इसका मतलब ये जो कंट्रोलर की जो बैटरी है वो फुल्ली चार्ज हो गई गाइस। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये ग्रीन लाइट चालू हो गई है, इसका मीन्स ये कंट्रोलर अभी इससे कनेक्ट हो चुका है। तो अभी देखो, ये भी प्रोफाइल है सत्यराज गाइस, ये 500 GB की हार्ड डिस्क है पर अभी भी इसमें 105 GB इसमें खाली है। तो अभी हम ये A दबाएंगे तो इससे सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी बोल रहा है कि आप अभी साइन इन करो, बट अभी हमको साइन नहीं करना है, अभी नो कर देते हैं। तो गाइस, ये इसका अपना होम पेज आ चुका है, ठीक है। और इसमें जो इसका स्टार्टिंग का पेज है वो होम पेज है, यहाँ पे आप ओपन प्ले कर सकते हो। जो सोशल मीडिया होते हैं, जो भी अपने फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उसको आप यहाँ पे इन्वाइट कर पाओगे और उनके यहाँ भी गेम खेल पाओगे। और देखो यहाँ पे आ गई ये गेम, और मेरा यहाँ पे लेवल बता रहा है मेरे पास 105 GB। मीन्स ये जो गेम्स के सारे बेजिस होते हैं जो मैंने इसमें कलेक्ट कर लिए गेम खेल खेल के। तो अभी नेक्स्ट करेंगे तो अभी गेम्स का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे नीचे करके गेम को टच करते हैं। सो अब यहाँ दिखाओ। सो गाइस, ये है मेरी गेम की लिस्ट, प्रोटोटाइप 2, असेसिन क्रीड रोग्यू, बैटलफील्ड 4 भी का है, सबको पता ही कितनी फेमस गेम है, कितनी बढ़िया है। ये बॉम्बरमैन काफ़ी फन गेम है, और कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2 यार, इस गेम की मैं क्या बात करूँ। कॉल ऑफ ड्यूटी की जो फ्रेंचाइजी गाइस, वो मेरी सबसे फेवरेट फ्रेंचाइजी है। और गाइस यहाँ पे काउंटर स्ट्राइक गो भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा खेलने में मज़ा आती है। और गेमिंग में क्राय है एनिमी बाय रंजीत, फार क्राय फ्रो गाइस, इसकी ग्राफिक्स कितनी बढ़िया है आपको पता ही, फार क्राय 4 की। इसका फार क्राय 3 मैंने पूरा कंप्लीट किया था, फार क्राय अकेला जो था वो भी पड़ा मेरे पास। सो गाइस, ये फार क्राय क्लासिक, ये भी काफ़ी बढ़िया, इसका फर्स्ट वर्जन ही है। और गियर्स ऑफ वॉर मेरा फेवरेट गेम है गाइस, GTA 5, इसको कितना भी खेलो अपना मन भरता नहीं है। और ये है मेटल गियर राइजिंग, निंजा गार्डियन, रेसिडेंट ईविल 6, टॉम रेडर, स्नाइपर गोस्ट, ये भी काफ़ी बढ़िया स्नाइपर वाली गेम है। और स्प्लिंटर सेल, कमीशन, टेकन 6, यार हम कितने टाइम पहले से खेल रहे हैं टेकन 6 को, काफ़ी ज़्यादा मजा आता है। द एवी बी 3 विल मैन, यार ये गेम आपको पता नहीं तो ये पता किसकी, इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है विन डीजल। यस, फास्ट एंड फ्यूरियस में जो आपको पता है कैरेक्टर आता है टकला विन डीजल, सर इसमें मेन रोल उसका ही काफ़ी बढ़िया है। और देखो गाइस, एक्चुअली ये वाला जो मैंने एक्सबॉक्स लिया है वो क्रैक वर्जन है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी गेम प्री लोडेड आई हुई है, मीन्स 40-50 गेम्स इसके अंदर ऑलरेडी आई हुई है। सो अब देखो गाइस, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये XCX मेन्यू 1.2 है ना, इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा, फिर इसके बाद गाइस ये इसको मैं टच करने के बाद इसमें अभी गेम की और लिस्ट आएगी, मीन्स इतनी सारी गेम्स भरी हुई है इसमें एकदम कॉपी लेवल की, खेलने की मजा ही कुछ और है। ये है एसिस क्रिकेट 2009, एडवांस वॉरफेयर काफ़ी बढ़िया गेम, और ये डेविल मे क्राय 5 है, फीफा भी इसके अंदर है, जो भी फीफा लवर है खेल के देखो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाती है। स्ट्रीट फाइटर है, एक्स टेकन है, इन दोनों का मतलब रिमिक्स वर्जन है। और स्लीपिंग डॉग से आपको पता है कि स्लीपिंग डॉग 1, 2 ऐसी सारी गेम्स आ चुकी है, बट स्लीपिंग डॉग्स मैंने खेली थी बट मैं खेलूंगा। और हाँ गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ऑन कर दो फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स। और अभी मैं आपको मेरी और लिस्ट बताता हूँ, ये स्केट 3 है, इसको स्केटिंग वाली गेम पसंद है, काफ़ी बढ़िया गेम है। ब्लर है गाइस, ये जो ब्लर गेम है ना, ये कार रेसिंग गेम है, पर इसके जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी रियलिस्टिक ग्राफिक्स है। ये सैंड रो 4 है, रेसिडेंट ईविल 6 है, बर्न आउट रिवेंज क्रिकेट, बर्न आउट रिवेंज वापिस से 2 बार डाल दी गाइस गलती से उसने, और ये ड्रैगन बॉल सी की है गाइस। जिन लोगों को भी एनिमी पसंद है ना, खेल के देखो यार, काफ़ी ऑसम गेम है। और ये Dirt 3 RF, और ये ड्राइवर सैन फ्रांसिस्को गाइस, ये जो गेम है इसमें पता क्या होता है कि हम कोई भी गाड़ी में बैठ सकते हैं, जैसे कि रास्ते में कोई भी गाड़ी जा रही है ना, तो अगर आप A दबाओगे तो वो गाड़ी से उतर के आपको गाड़ी सिलेक्ट करनी है, आपको गाड़ी में बैठ सकते हो।
गाइस यहां पे हिटमैन है, आइस एज भी है, काफी फनी गेम है गाइस, और इनजस्टिस गॉड अमंग अस भी है, और इनवर्सन आरएफ मैक्स वर्सेस एटी भी, ये भी रेसिंग गेम है, और एनएफएस हॉट परसेंट काफी बढ़िया है। ये मॉर्टल कॉम्बैट ये भी मेरी फेवरेट गेम है गाइस, बिकॉज इसके में जो कैरेक्टर्स है मुझे काफी बढ़िया लगते हैं। एनएफएस मोस्ट वांटेड 2012 है गाइस, ये ओनली मोस्ट वांटेड नहीं है, इसकी ग्राफिक्स काफी इनहेंस्ड है और काफी बेस्ट है। स्नैपर इलाइट, सो गाइस इतनी थी मेरी गेम की लिस्ट, और अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ हमारी फेवरेट GTA 5, इससे आपको पता लग जाएगा कि अभी भी Xbox 360 स्लिम मॉडल किस तरह की गेम चला लेता है। सो गाइस अभी हम GTA 5 खोल लेते हैं, तो गाइस फटाफट अभी हम प्रोफाइल खोल लेते हैं, गेम में चले जाते हैं, काम ही हमारे GTA 5। सच में गाइस GTA 5 Xbox 360 में खेलने का अलग ही मजा है। सो आप देख सकते हो गाइस इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, इसने फटाफट GTA 5 ओपन कर लिए। तो गाइस अभी GTA 5 का लोडिंग स्क्रीन आ चुका है, तो अभी मैं आपको खेल के दिखाऊंगा GTA 5, जो कि सच में यार इसमें काफ़ी स्मूथ चलती है। और ये देखो गाइस, यहाँ पे है ए बटन, यहाँ पे एक्स से ऊपर वाई है, और यहाँ पे है बी, और ये इसका बीच का बटन, यहाँ से आप होम पे जा सकते हो। और गाइस सच में इसका जो ये बटन प्लेसमेंट है ना, यहाँ से हम आगे पीछे जा सकते हैं, यहाँ से हम आसपास के सब कुछ देख सकते हैं। देखो गाइस कितना बढ़िया, कितना मज़ा आ रहा है गाइस सच में, और सच में इसमें जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल की है। और अभी तो क्या गाइस मैंने इसमें ऑलरेडी जो फर्स्ट मिशन आता है उसमें मैंने खत्म कर ली है। सो अभी हम बाहर निकलते पहले घर से, एक्स से हम एकदम तेज भाग सकते हैं, ठीक है यार बाहर कैसे निकले। अरे गाइस सो अभी हम बाहर निकल लेते हैं, और हाँ यार मैंने इसमें ना मेरी कार रखी हुई है गैरेज पे, तो फिर अभी हम पहले कार ले लेते हैं, उसमें हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ग्राफिक्स जो है ना गाइस वो सच में काफी बढ़िया है। ये हमारी कार, गाड़ी की तो गाइस पूरी हालत ही खराब हो चुकी है, पूरी गाड़ी हमारी चल रही है। और सच में गाइस इसका जो ये रिमोट जो वाइब्रेट मार रहा है वो काफी अच्छा वाइब्रेट मार रहा है। अरे पहले इस गाड़ी को छोड़ दे, गाड़ी की स्पीड काफी तगड़ी है गाइस। होम पे जाते हैं। ओके गाइस, तो अगर आपको ये गेम पे वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और हाँ गाइस Xbox 360 जो है उसमें मैं बहुत सारी गेम्स खेलूंगा आगे, और आप मुझे बताओ कि मैं इसमें कौन सी गेम्स खेलूँ। आपने मेरी लिस्ट तो देखी ली कि मेरे पास अभी कौन कौन सी गेम है। सच में ये Xbox 360 एस है तो काफ़ी बढ़िया है, तो बिल्कुल भी हिट नहीं मार रहा है, इसका तो फैन स्पीड है वो काफ़ी अच्छा है, इसलिए हम लगातार 8 या 10 घंटे भी खेलेंगे तो भी काफ़ी स्मूथ और एकदम कूल तरीके से चलता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसी अनबॉक्सिंग के लिए और ऐसी गेम प्ले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करो लाइव विद गेमर।